खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के जवाब में बजरंग बली, सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ अब यूपी से लेकर झारखंड तक अलग अलग संगठन बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हाईवे पर हनुमान चालीसा का पाठ, तस्वीरें यूपी के बागपत के बड़ौत की हैं, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सिद्ध बलि हनुमान का मंदिर है। कल शाम अचानक नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे और बीच सड़क पर पाठ और आरती शुरू कर दी। इन लोगों का कहना है कि जब हाईवे पर नमाज की इजाजत मिल सकती है तो हिंदुस्तान है, हनुमान चालीसा को इजाजत क्यों नहीं मिलेगी। भगवान का मंदिर है, जब हाईवे पर नमाज को इजाजत मिल सकती है तो हिंदुस्तान देश है, हनुमान चालीसा को इजाजत क्यों नहीं मिलेगी। हनुमान चालीसा हर बार पढ़ी जाएगी, हर मंगल को पढ़ी जाएगी और हाईवे पे ही पढ़ी जाएगी। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां सड़क पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया। भाई साहब, जब ये अल्पसंख्यक लोग जो हैं वे सड़क पे अपनी नमाज पढ़ सकते हैं तो हम अपने मंदिर में, हमारा मंदिर जो है वो बाहर सड़क पे है तो उस पर अपनी हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। पिछले दिनों यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर में कई संगठनों के लोग बीच सड़क पर रास्ता रोककर बजरंग बली पाठ करते दिखे। सिर्फ यूपी ही नहीं, झारखंड के जमशेदपुर में भी सड़क पर मंगल आरती अब जोर पकड़ती जा रही है। तस्वीरें जमशेदपुर के साक्षी की हैं, जहां कई राम भक्त एक साथ जुटे और जय श्री राम के नारे भी लगाए। सड़क पर हनुमान चालीसा के पाठ से जाम भी लग गया, लेकिन इन लोगों का कहना था कि हर मंगलवार को ये पाठ ऐसे ही होगा। पूरे देश में एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो लगातार रोडों पे रोड जाम करने के लिए नमाज जो पढ़ा जा रहा है, एक प्रकार से समझिए तो उनका एक जवाब है। और जब तक सरकार इस तरह का पाबंदी उन लोगों के साथ नहीं लगाएगी, इस तरह का आयोजन जमशेदपुर से निकल के पूरे देश में जाएगा। सड़क पर नमाज पढ़ने के विवाद में देश के कुछ और हिस्सों में भी कई संगठन ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। श्री राम जय।